हे गाइस, मैं हूं आप देख रहे हैं चेक स्वामी का एक लेटेस्ट एपिसोड। और आज यहां पर मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं। यहां पे डीजो की तरफ से मेरे पास ये फोन्स आ रखे हैं, या मैं कहूं एयरबड्स आ रखे हैं, या मैं कहूं TWS आ रखे हैं। जो आपका मन हो वो आप मान सकते हैं। एंड इनका नाम है GoPods D। अभी जो GoPods D है ये आने वाले हैं थोड़े से बजट के प्राइस के ऊपर। इसका एग्जैक्ट प्राइस मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। बट चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं इसके बॉक्स कंटेंट्स के बारे में, और यहां पे बात करते हैं इसका पूरा रिव्यू करते हैं, कैसा इसकी म्यूजिक क्वालिटी है, कैसा ये काम करता है, एवरीथिंग। बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और यहां पे एक छोटा सा लाइक हमारे लिए जरूर से छोड़ दें। एंड एक छोटी सी यहां पे मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूंगा, पिछली बार की तरह मैं यहां पे डुअल कैमरा सेटअप नहीं यूज कर पाऊंगा गाइस, क्योंकि मेरा थोड़ा सा मोबाइल का माउंट खराब हो गया है। सो एक कैमरा का काम है, आज इनको अनबॉक्स करते हैं फटाफट से। ओके, सो यहाँ पे हम बॉक्स खोलने की प्रथा से शुरू करते हैं। बॉक्स काफी अच्छा है, व्हाइट एंड ब्लैक कलर की थीम है सारी। एंड यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है रियलमी, क्योंकि डीजो जो है वो रियलमी से ही निकला है। एंड टेक लाइफ, रियलमी की टेक लाइफ में यहाँ पे ये जो है वो प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। अभी मैं बॉक्स के ऊपर कुछ चीजें लिखी है जो कि आपको एक्सप्लेन कर दूं कि इसमें क्या फीचर्स है। जस्ट लाइक 20 आवर्स का लॉन्ग लास्टिंग आपको बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा इसमें। 10mm का लार्ज बेस पूछ ड्राइवर्स देखने को मिल जाते हैं। 110ms की यहाँ पे सुपर लो लेटेंसी मोड देखने को मिलता है। इंस्टेंट कनेक्शन है और एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन देखने को मिल जाती है। इंटेलिजेंट टच कंट्रोल्स हैं, ओके दैट्स अ गुड थिंग। और बॉक्स पे अगर मैं प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो 2500 rupees की MRP लिखी है, बट प्राइस कम होगा बिलीव मी। यहाँ पे इसको खोल लेते हैं, और ये यहाँ पे थोड़ा स्टिकी है जो कि मैंने इसको खोला। एंड यहाँ से इसको यार काफ़ी ज़्यादा स्टिकी है, इसको निकालना पड़ेगा। ओके या मैंने थोड़ा सा इसको फाड़ ही देता हूँ, कोई बात नहीं, चलेगा सब चलेगा। जब भी निकाल लेते हैं बाहर, और ये निकलती है जब भी, हाँ श करके। यहाँ पे मैंने डब्बे को साइड कर दिया है, और ये निकलते हैं मेरे पास बॉक्स, और यहाँ पे ये है कंटेंट। सबसे पहले निकलती है हमारी यूजर गाइड। एंड आपको पता है जब हमारे पास रियलमी या डीजो की तरफ से आएगा तो ये प्रेम पत्र बहुत बड़ा आएगा। बहुत प्यार है मेरा इनके साथ, बहुत ज़्यादा प्यार है, तो ये बड़े बड़े प्रेम पत्र लिखते हैं। एंड इसके अंदर सबसे पहले मैंने नोट कर लिया है कि ये रियलमी लिंक को सपोर्ट करता है, तो आप रियलमी की लिंक की यहाँ पे ऐप भर लीजिए एंड उसके बाद इसको वहाँ से ऑपरेट करें, क्योंकि आप सेटिंग्स को ऑपरेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे काफ़ी कुछ ट्वीक कर सकते हैं, यहाँ पे आप उनके प्रीसेट्स को चेक कर सकते हैं। देन यहाँ पे अगली चीज़ जो निकलती है वो है यहाँ पे ईयर टिप्स। इसको थोड़ा सा फाड़ फूड़ लेते हैं और निकाल लेते हैं बाहर। एंड दिस इज द ईयर टिप्स जो कि हमें देखने को मिल रही है टोटली ब्लैक कलर में, ओके। एंड यहाँ पे स्मॉल एंड लार्ज साइज मिल रहा है, एंड डेफिनेटली ईयरफोन्स के ऊपर यहाँ पे मीडियम लगा होगा। इसको भी साइड पे रख लेते हैं यहाँ पे। एंड या द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारे ईयरबड्स चार्ज कैसे होंगे? इट्स अ छोटी सी टिन्नी सी USB माइक्रो वाली तार, वाइट रंग की, जो हमें देखने को मिल रही है। ओके, सो यार इतनी छोटी छोटी क्यों बनाता है, थोड़ी सी तो बड़ी बना दिया करो। ओके, तो छोटी इसलिए बनती है, एक्चुअली वो नहीं चाहते कि आप चार्जिंग करते हुए अपने ईयरफोन्स को लगा लो यहाँ पे या कुछ ऐसा कर लो। सो हाँ, इसीलिए छोटी लगाई जाती है ताकि तुम उसको लगा दो चार्जिंग पे एंड थोड़ा सा रेस्ट लो भाई, ऐसे हरकतें मत क्या करो। ओके, तो यहाँ पे हमारे ईयरफोन्स निकल कर आते हैं बॉक्स में बंद, और इसको हम निकाल लेते हैं। ओके, या स्टीकर लग रखे हैं, इन स्टीकर को भी यहाँ पे स्पडैक करके निकाल लेते हैं। सो दिस इज द डीजो ब्रांडेड GoPods D। ओके, जैसे मैंने हाथ में लिया, सबसे पहले तो मेरे को पोर्ट दिख गया यहाँ पे माइक्रो USB का। देन यहाँ पर एक चार्जिंग LED लाइट है जो कि हम चार्ज पे लगाएंगे तो जग जाएगी। अब इसे हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। गाइस, हैप्पी फ्रेंडशिप डे, कल था बट आज मैं आपको प्रपोज कर रहा हूँ। विल यू बी माई फ्रेंड गाइज? अगर येस तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबा दें, ऐसी वीडियोस आपके पास आती रहेंगी। ओके, ईयरबड्स के ऊपर भी यहाँ पे कुछ पन्नियाँ लगा दी हैं जिसको हम हटा देंगे यहाँ से। ओ, ईयरबड साथ में हट गए। हम पन्नी हटानी है सर, आपको अभी नहीं हटा रहे, आपकी अभी बारी नहीं आई है, सो आप क्यों निकल रहे हैं? इसको भी जल्दी निकलेंगी। ओके, ये पन्नियाँ बाहर आ चुकी हैं, कैन यू सी दैट? सो यस, यहाँ पर हमारे बड्स जो है वो निकल कर आ चुके हैं। अगर आपको मेरे हाथों में प्यारे प्यारे दिख रहे होंगे, बिल्कुल छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने से, सो इन्हें भी बाहर निकाल लेते हैं और पहन के देखते हैं। ओके, इसके पीछे भी यहाँ पर थोड़े से हमें पन्नियाँ देखने को मिल रही हैं, उनको भी निकालना पड़ेगा हमें। और ये निकल गई पहली पन्नी, ये निकल गई दूसरी पन्नी। भाई इतने स्टिकर्स, ओके, इसके पीछे मैग्नेट्स होते हैं एक्चुअली, जो आपके केस के अंदर जब आप ईयरफोन्स डालेंगे तो ये मैग्नेट से चार्ज होना शुरू हो जाएगा। सो ओके, सबसे पहले तो मैं केस के बारे में बात करता हूँ। केस यहाँ पे छोटा सा केस है, राउंड केस है, कैप्सूल टाइप है,
काफी अच्छी फीलिंग है, काफी अच्छी मटेरियल्स हैं, एंड यहाँ पर आपको ईयरबड्स की जगह मिल जाती है विद मैग्नेट्स, जो कि अच्छी बात है। इसे बंद करके साइड पर रखते हैं तो ये हमारे पास आ जाते हैं द टिप्स, द ईयरबड्स, जो कि मेन चीजें हैं। बहुत छोटे से हैं, कॉबल डिजाइन के साथ आ रहे हैं अगेन, एंड ये काफी प्यारे लग रहे हैं। ऊपर वो जो डिजाइन है ऊपर सा ग्लॉसी सा, वो भी काफी प्यारा सा लग रहा है। सो दे हैव डन अ गुड जॉब ऑन द डिजाइनिंग थिंग। बाकी मेरे को यहाँ पे माइक्स भी देखने को मिल रहे हैं कॉलिंग वॉलिंग करने के लिए, आई थिंक क्वाड माइक्स हैं इसके अंदर जहां तक मुझे लग रहा है, सो दैट्स अ गुड थिंग। अभी कानों में डाल के देखते हैं ये राइट वाला ये लेफ्ट वाला कैसा लगता है। मुझे बाहर का सुनना बंद हो चुका है, बट इट्स ये जो फीलिंग है वो काफ़ी अच्छी गाइस, सन्नाटा हो चुका है, मैं कहीं गुम हो चुका हूँ, मुझे लग रहा है मैं समुंदर की लहरों में गुम हो गया हूँ। इट्स सो गुड। बट यार सीधी सी बात, यहाँ पे कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा है, इसको मैं हिला विला लूँ तो ये गिरेगा नहीं, एंड आई थिंक ये जो मिड वाले जो हमारे पास ईयर टिप्स हैं, आई थिंक यही मेरे कानों पर काफ़ी अच्छे से कम्फर्टेबली आ चुके हैं। इट्स अ नाइस थिंग। ओके गाइस, कंफर्ट के बारे में बात करूं तो 10/10 है, अगर मैं डिजाइनिंग के बारे में बात करूं तो 10/10 है, काफी सुंदर मेरे को देखने को लग रहे हैं। मेरे को यहाँ पे डिजाइन काफी प्यारा लगा, और मैं अगर इसकी एयर टिप को हटा लूं तो यहाँ पे मेश जो है वो भी काफी सही है। सो हाँ, आराम से ये 8 टिप्स निकल जाते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत सफाई वगैरह करना हो। देखो अगर आप इसकी सफाई करो तो एक छोटे से ब्रश के साथ करो, ये नहीं कि इसको नहलाना धुलाना शुरू कर दो तुम, ये कोई इंसान नहीं है, ईयरबड्स है, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, क्यूट लग रहे हैं। चलो बाकी बात है बाद में, यहाँ पे थोड़ी सी टेस्टिंग कर ली जाए, मैं थोड़ा सा इनको सुन मुन के आता हूँ और फिर बताता हूँ कि म्यूजिक क्वालिटी कैसी है। ओके गाइस, मैंने लिटिल चड्डी बड्डी इसको यहाँ पे मैंने टेस्ट कर लिया अपने कानों में लगा के, द एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड। सबसे पहली बात तो 10mm के बेस्ट बूस्ट यहाँ पे ड्राइवर्स के साथ आता है। बेस्ट बूस्ट क्या होता है भाई? 10mm के बेस बूस्ट ड्राइवर्स के साथ आता है, जो कि आप Realme Link वाली ऐप में जाके ट्वीट भी कर सकते हो। एंड यार आपको जब ये बेस सुनोगे ना आप, वो काफी मजेदार है, काफी सुहानी है, आप खो जाओगे, इतना मत खो जाना कि मम्मी की फ्लाइंग चप्पल आ जाए। बट डेफिनेटली यार काफी मजेदार थी, मेरे को बड़ा मजा आया देख के। इंस्टेंट कनेक्शन आप डब्बे में से निकाल तो कानों में लगाते, आपके मोबाइल से ये पेड होता है, एंड अगर आप इसको निकाल के डब्बे में डाल देते हो ये उसी वक्त डिस्कनेक्ट हो जाता है। सो रियली यहाँ पे कन्वीनियंट है। एंड हाँ भाई, ENC देखने को मिल जाता है इसमें, एंड ENC इज दैट एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन, काम करता है काफी अच्छे से, एंड ये AC की आवाज मेरे को आती रहती है। सो इनको जब मैं पहन लेता हूँ इट गोज अवे। और हाँ, इसमें भी टच कंट्रोल्स, जब मेरे को TWS में टच कंट्रोल मिलते हैं, आपको पता है आई लाइक दैट। उसके ये जो ऊपर वाला एरिया है, दीज आर टच कंट्रोल वाला, प्ले पॉज एनीथिंग, आंसर करनी है कॉल्स को, कट करना है, जो भी करना है इसी से हो जाता है, एंड काफी मजेदार है। सो गाइज, आई होप ये छोटी सी अनबॉक्सिंग आपको पसंद आई होगी इस हमारे डीजो के सुपर क्यूट वाले, सुपर प्यारे वाले GoPods D की। अगर आपको अच्छी लगी है आप जरूर से लाइक करिए। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसका प्राइस लिंक, इसका यहाँ पे परचेज लिंक सभी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप परचेज करें तो हमारे लिंक से जरूर से करें। एंड कीप स्माइलिंग एंड ऑलवेज टेक गाइज, कीप स्माइलिंग, हैप्पी फ्रेंडशिप डे बिलेटेड वाला, पता नहीं मैं बार बार क्यों कर रहा हूँ, बट आई लाइक यू यार, आई लाइक यू ऑल, आई लव यू यार।